स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में से 10 सीटों में बीजेपी को जीत मिली है, जिसके बाद राजनीतिक दल समीक्षा और दूसरी गतिविधियों में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई। यह बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। इस बैठक में प्रदेश में 10 सीटें जीतने पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। जीत के बाद जो है प्रदेश में समीक्षा में राजनीतिक दल जुट गए हैं। और बात करें बीजेपी की तो 11 में से जो है 10 सीटें बीजेपी के हिस्से आई है, और इसी को लेकर जो है बैठक किया जा रहा है। बैठक में सीटें जीतने पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, जहां बताया जा रहा है खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, पहुंचेंगे। और ये जीत के बाद जो है लगातार समीक्षा में राजनीतिक दल जुटे हुए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से जीत के बाद जो है एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और अब जो बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां भी समीक्षा में राजनीतिक दल जुट गए हैं, और इसी को लेकर जो है बैठक आयोजित होनी है, क्या खबर मिल रही है? जी, आपको बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें थी, जिसमें बीजेपी ने 10 सीटें हासिल की। यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले लोकसभा की बात करें तो उसमें 9 सीटें बीजेपी से आती थी। इस बार बीजेपी ने 11 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन कहीं बीजेपी से जीत हो गई इसकी वो समीक्षा भी कर रही है। तो ऐसे में 10 सीटें जीतना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ में मानी जा रही है। जो कभी से जीती गई है बीजेपी द्वारा, उसमें जो सांसद बने हैं उनको आज सम्मान किया जाएगा, समीक्षा बैठक भी होगी, और साथ ही साथ आगे की रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के माध्यम से। और इसके बाद विष्णुदेव साय सीएम जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो कहीं ना कहीं इस बैठक को महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। और अगर बात करें बैठक की तो कब से यह बैठक शुरू होगी, क्या तैयारियां अभी तक देखी जा रही है? जी, यह बैठक 12 बजे से होनी थी, थोड़ा विलंब से लोग पहुंच रहे हैं, और बैठक की उसको माना जा सकता है कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में और अब ये इसमें ये भी देखना है कि इसमें छत्तीसगढ़ से मोदी मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है, और इसमें जो है लगभग कई लोगों के नाम की चर्चा भी चल रही है। इन तमाम बातों को लेकर आज ये समीक्षा बैठक भी हो रही है, उसको सम्मान बैठक भी कहा जा सकता है, जिसमें जितने नवनीत सांसद है उनको सम्मानित भी किया जाएगा, जिसमें सीएम साय खुद मौजूद है इस बैठक। अगर मनोज बात करें जो चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से कौन कौन से नाम है जिनको जगह मिलने की ख्वाहिश जो है देखी जा रही है? जी, आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि अब जैसे रायपुर से है ब्रिजमोहन अग्रवाल, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के ये भीष्म पितामह माने जाते हैं, और 8 बार ये विधायक भी रह चुके हैं और लगातार ये मंत्री पद भी संभाले हुए थे बीजेपी कार्यकाल में। अभी वर्तमान में भी वो जो है शिक्षा मंत्री भी है, तो ऐसे में काफी वरिष्ठ नेता है और उनकी 8 बार का चुनाव भी जीतना ये भी एक माने रखता है। तो ऐसे में ब्रिजमोहन अग्रवाल एक हो गए, और दूसरा बात करें तो दुर्ग के सांसद विजय बघेल है, और जो वो भी काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, वर्तमान में भी वो सांसद रहे हैं, उसके बाद फिर वो सांसद जीते हैं। और तीसरी बात कर ले सांसद संतोष पांडे, जो राजनाथ गांव जी जिससे जो है सांसद बने, वो भी पहले से ही सांसद रहे हैं, और इस बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर फिर से वो सांसद बने हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों नामों से महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, तो माना जा रहा है इन तीनों लोगों में से किसी न किसी को छत्तीसगढ़ से जगह मिलना निश्चित रूप से संभव है। जी मनोज, जिस तरीके से 10 सीटें मिली है तो कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी की बढ़त जो है वो देखी जा रही है, और लगातार जो है बीजेपी अपनी पकड़ बनाने में कामयाब है। लेकिन अगर मंत्री की बात करें तो खबर ये भी है कि एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। जी, अभी ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही मोदी सरकार के लिए, जहाँ तक ये कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जा रहा है कि पहले 5 सांसदों पर एक मंत्री थे, और पहले के जो सहयोगी दल थे उसके जो है कोई राज्य मंत्री नहीं था, तो ऐसे में अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर होगा, उनको भी जगह देना जरूरी है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के 3 लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनमें से किसी एक को ही जगह मिल पाना संभव देखना हो सकता है। जी
और अगर बात करें इस बैठक की, क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? क्योंकि आज अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एनडीए की बैठक होने वाली है कल, और इस दौरान जो बीजेपी शासित प्रदेश के तमाम जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो भी पहुंचने वाले हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरीके से बैठक की खबर सामने आ रही है, वहाँ क्या हलचल देखी जा रही है? जी, आज सुबह से एकात्म परिसर जो बीजेपी का राजधानी का कार्यालय है, यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कार्यालय एकात्म परिसर उषा भाऊ ठाकरे नाम से संबोधित किया जाता है उस बीजेपी कार्यालय को, तो ऐसे में सुबह से हलचल वहाँ तेज है और सारे सांसद जो नवनियुक्त सांसद है और वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के, वो तो लगातार उनके आने का क्रम जारी था और बैठक लगभग शुरू हो चुकी है और विष्णुदेव साय सीएम जो है वो शामिल भी हो चुके हैं इस बैठक में और अंदर महत्वपूर्ण बैठक चल भी रही है। अब उसमें कयास लगाया जा रहा है कि अब किसको मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो रही है, और उससे महत्वपूर्ण बात बता दें, सीएम साय इस बैठक के बाद आज शाम को दिल्ली भी रवाना होंगे, तो कहीं ना कहीं इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए माना जा रहा है। जी, और बात करें तो प्रदेश में 13वां जो मंत्री पद है वो अभी भी खाली है, तो क्या अब इस बैठक के बाद माना जाए कि वो 13वां जगह जो है वहाँ किसी के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी? जी, आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के जो है वरिष्ठ विधायक थे और 8 बार के विधायक रह चुके, अभी वो यहाँ की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री भी है और अब वो सांसद बन गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी जगह अब खाली होगी ही, तो ऐसे में अब जो ये अभी ये बात की बातें अभी इस बैठक में इन सब मुद्दों पे शायद चर्चा न हो सके, इसलिए कि अभी इन लोगों के लिए केंद्र महत्वपूर्ण है, तो इसलिए केंद्र में सरकार बनाने की बात हो रही है, तो सारे सांसदों को भी दिल्ली जाने का निमंत्रण भी मिला हुआ है केंद्र पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में शायद स्टेट को लेकर अभी इस पर चर्चा न हो सके और मुख्यमंत्री साहब की भी व्यस्तता देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रदेश स्तर की बातें इसमें होना संभव नहीं दिख रहा है। जी, और जिस तरीके से ठाकरे परिसर में जो है बैठक होने जा रहा है और इस दौरान जो जीते हुए कार्यकर्ता है प्रत्याशी उनको सम्मानित भी करने की खबर आ रही है, इसको लेकर हम बात करें कार्यकर्ताओं की, उनके बीच कैसा माहौल, कैसा उत्साह देखा जा रहा है? जी, आपको बता दीजिए कि जब से बीजेपी की 10 सीटें जो है लोकसभा की छत्तीसगढ़ में जिसका लोगों को जानकारी हुआ निर्वाचन आयोग द्वारा, तब से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई, यहाँ पर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयाँ बांटी गई, और उसके बाद अब लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में चाहे वो वरिष्ठ नेताओं में एक जोश देखने को मिल रहा है कि उनको कहीं ना कहीं स्वाभाविक की बात है, कोई किसी भी पार्टी का इस तरह से निर्णायक फैसला मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो जीतते उत्साहित रहेंगे और खुशी उनके अंदर दोनों ही देखने को मिलेगी। जी, और बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली है और अब इसके बाद जो है राजनीतिक दल भी समीक्षा में जुट गए हैं, क्या हलचल, क्या माहौल देखी जा रही है? क्योंकि कई जगहों पर अगर हम बात करें खासतौर से उत्तर प्रदेश की, वहाँ जिस तरीके से बीजेपी मात खाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपनी बढ़त जो है लगातार बनाए हुए, वहाँ क्या माहौल देखा जा रहा है पार्टी के अंदर? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार विष्णु देव साय के नेतृत्व की जो सरकार है वो चाहे नक्सलवाद को लेकर देख लीजिए काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है, और चाहे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों से जुड़कर काम करने की उसके अपने जो इसे पैतरे कहा जा सकता है कि अब जनहित के मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देने का फोकस कर रही है पार्टियां, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपना छत्तीसगढ़ में एक गढ़ पे पैद बनाना चाह रही है, जिसको जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार के कार्यकाल को देख में अभी 4-5 महीने के लगभग सरकार हुई है छत्तीसगढ़ में, तो इस हिसाब से जनहित के मुद्दे पे कार्य हो रहा है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में एक अपना पैड बनाना चाह रही है। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है लगातार समीक्षा के बाद राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, और बढ़ते आगे खबर कोरबा से है, जहां दूसरी बार निर्वाचित कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि पानी, बिजली और सड़क उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और रेलवे से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी।
प्राथमिकता है मेरी जो पुरानी थी जो अधूरी रह गई है उन्हीं में रहना, और अभी मेडिकल कॉलेज का भी बढ़ाना है, रेलवे स्टेशन का उन्नयन करना है, सड़क है अभी जो है उन्हें पूरी करवाना है जल्दी से, और शिक्षा में भवन नहीं बने कई जगह तो नहीं हो सका काम, वो मुझे कराना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल, ये तो मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है। अभी जल जीवन मिशन बना तो दिया गया है और हमेशा ये बोला जाता है कि हमने घर घर तक नल पहुंचाया, पर घर घर तक नल और टोटी ही पहुंचाई है, अभी जल वितरण नहीं हुआ है, उसको करवाना है। केंद्र में सरकार तो हमारी थी नहीं, मेडिकल कॉलेज से आया ना, काम कराने से होता है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करती, लेकिन जो मानवता के अधिकार में, जो जनता के अधिकार में जो काम होता है हित में, उसको चाहे कोई भी सरकार हो, हमें पूरी तरीके से सही होती है। और बढ़ते आगे खबर जांजगीर से है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने शासकीय जमीन पर कब्जा करवाया है, साथ ही फलदार पेड़ों की कटाई भी करवाई जा रही, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील और SDM से की, जिसके बाद ग्रामीणों को किसी तरह की कार्रवाई के बारे में सूचना नहीं मिली है। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। जांजगीर का ये मामला है जहां ग्रामीणों ने SDM से शिकायत की है और सरपंच पर आरोप लगाए हैं। थाना नेटवर्क में तहरे सचिव भाइयों के आपसी विवाद में मारपीट की घटना हुई, जिसमें दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में चोट लगी है, उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरे पक्ष को भी एक व्यक्ति को चोट लगने की सूचना है, उसका भी इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में चल रहा है। परिजनों से तारीख प्राप्त कर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की जाए। केशवपुर सरकारी योजना के तहत बनाया गया था, जिसमें शासन का पैसा भी खर्च हुआ है, इसमें फलदार आम भी, जाम, नीलगिरी, अर्जुन पेड़, बांस का ये वृक्ष सब लगाए थे, जो विगत एक दो वर्षों से फल भी दे रहे थे। लेकिन हमारे गांव के सरपंच, जिसे गांव के लोग एक विश्वास के तहत पुनः फिर उसको भरोसा करके बहुत वोटों से विजय कराए थे, हम ही लोग कराए थे, और सरपंच एवं उनका पति ये जनता से आश्वासन दिए थे कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, एवं ये सब कुछ में कांटा तार का मैं प्रबंध करूंगा, कोई भी पेड़ नहीं कटने दूंगा, मवेशियों का रक्षा करूंगा, ये बोले थे। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि पूरा जनता को धोखा दिया जा रहा है। इसमें ये पता चले कि अभी खुद हम लोग कल से आ रहे हैं, तो एक जो घर बना रहे हैं वो बोले हैं कि 35,000 रुपये मैं सरपंच पति नरेंद्र मोदी को दिया हूँ, खरीदा हूँ, फिर उसके बाद मैं निर्माण कार्य। गाँव में सन 2007 से केशवपुर 5 एकड़ प्रस्तावित हुआ है, उसमें फलदार वृक्ष लगा हुआ है, जिसको अभी वर्तमान कविता नरेंद्र तिवारी द्वारा बिक्री किया जा रहा है, और फलदार वृक्ष को बहुत कटाई हो रहा है, वो हमारे गांव के लिए बहुत ही नुकसानदायक। हाँ, अभी देख रहे हैं तो 40-50 जने ने डाल चुके हैं, और अब यहाँ बांस का जो भीरा लगा है उसमें आग लग गया है, वो बम्बूल भी ही फल को और जामुन को काट कर पूरा दिखाई दे रहा है, नींव दे रहे हैं, जब भी ठूक पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति से जानकारी प्राप्त हुआ है कि वो मैं सरपंच को नरेंद्र तिवारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बात करें तो यहाँ सरपंच पर शासकीय जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दीजिए कि ये जांजगीर जिले के जो है पामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत द्वारती का मामला है, जहाँ फिर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है सरपंच के ऊपर कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे के रूप में दिया जा रहा है। सरपंच से मिली भगत का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें सरपंच की संलिप्तता देखने को मिल रही है।
आपको बता दें कि इसमें फलदार वृक्षों की जो कटाई है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने आई है। जो ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया है कि फलदार वृक्षों की भी कटाई जो है अवैध निर्माण के लिए सरपंच से मिली भगत से किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से की है और हम लोगों ने भी बात करना था। नाथनाथ तहसीलदार ने फोन रिसीव नहीं किया, तहसीलदार साहब जो है वो फोन नहीं रिसीव किए, तो कैसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सत्यता देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वृक्ष के लिए जैसे पर्यावरण के दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वृक्ष को सभी से अपील किया था अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर कि सब लोग एक एक वृक्ष लगाए और उसकी देखभाल स्वतः करें, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन को ये बड़ा झटका सरपंच लोग भी देते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे जो है नुकसान जो है प्रदेश का नुकसान भी हो रहा है। अभी देख आप देख सकती हैं जी सर गर्मी में कितनी गर्मी है, 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो ऐसे में लोगों की स्थिति समझने की बात है जी। जी मनोज, और बात करें तो जिस तरीके से फलदार पेड़ों की कटाई की जा रही है, क्या इसको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें तो इस तरह की अक्सर खबरें अलग अलग जगहों से आती है और तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल, जो ही इसमें समझने वाली बात है और ये देश के लिए सिर्फ जनता के लिए नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि फलदार वृक्षों की कटाई अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अवैध कब्जा करने के लिए जो जमीनों में जो है फलदार वृक्ष लगे उनकी कटाई होने ये बहुत ही बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही और ये सरपंच ऊपर बड़ा आरोप भी निश्चित रूप से इस पर शासन प्रशासन के संज्ञान में मामला जाते ही सरपंच के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना निश्चित तय माना जा रहा है जी। जी, और अगर बात करें तो क्या इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासनिक तौर पर कराई है और अभी तक क्या जवाब मिला है प्रशासन की ओर से? जी जी, प्रशासन की तरफ से इन लोगों ने प्रशासन तहसीलदार ऑफिस में जो है उन्होंने लिखित शिकायत किया है, लेकिन कहीं कहीं और आप अक्सर देखने को ऐसा मिलता है कि ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पाती, जिस वजह से सरकार के खजाने का भी दुरुपयोग होता है, सरकार के राजस्व की भी हानि होती है और कहीं न कहीं इसी सब का लाभ सरपंच लोगों को मिलता जाता है। और ऐसे में मामला ये जांच का विषय है, इसमें जांच होगी, संलिप्तता निश्चित रूप से बिना जो है सरपंच से मिली भगत से फलदार वृक्षों की कटाई नहीं हो सकती, सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण नहीं हो सकता, तो ये सब सरपंच की निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिली भगत से ही ऐसे काम होना संभव हो सकता है जी। जी, लेकिन मनोज बात करें जिस तरह से यहाँ सरपंच की धांधली देखी जा रही है, लगाम क्यों नहीं लग पाता है? अक्सर ऐसे वारदात सामने आते हैं जहाँ बताया जाता है कि गरीबों को जो है या फिर जो असमर्थ लोग हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। जी जी जी, देखिए ये देखा जाता है कि जब गरीब लोग कोई आवाज उठाते हैं तो उसकी सुनवाई जो है तहसील स्तर तक की मामले को जाती है, वहाँ पर भी अब वो अपना काम धाम छोड़ के जो दिनचर्या जो जिसका डेली कमाना डेली अपना परिवार का भला भरण पोषण करना, ऐसे में वो लोग लगातार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगा सकते, जिस वजह से जिसका लाभ जो है सरपंच लोग उठाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरपंच लोग ये सोचते हैं कि आज ग्रामीण आज उनको समय मिला तो आज जाके वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो वही ग्रामीण भूल जाते हैं, तो ऐसे में इन सब को माना जा सकता है बड़ी वजह की जो सरकारी जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। अब जैसे फलदार वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया तो ये ग्रामीणों की अनदेखी का फायदा जो है सरपंच लोग उठाते हैं और उसको बड़े पैमाने पर उस पर जो है अपना जो है फायदा देखते हुए उस जमीनों को दूसरों को अधिग्रहण करवा देते हैं, फलदार वृक्षों की कटाई करवा देते हैं, जो देखा जाए तो ये गलत बात है, लेकिन सरपंच लोग इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं जी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, खबर बलौदाबाजार से है जहां बस स्टैंड के पास एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच के बाद मामले का खुलासा होगा। तो कपिल ने सुसाइड किया है और फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलौदाबाजार का यह मामला बताया जा रहा है, पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया और बताया जा रहा है कि मामले की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। तो फांसी लगाकर आत्महत्या की है। और खबर कोरबा से है जहां पुलिस ने इरफान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुरैशी के खिलाफ लोगों से रुपए लूटने और ब्लैकमेल करने की शिकायत पुलिस के पास है और चौकी प्रभारी ने बताया कि कुरैशी के खिलाफ 5 लोगों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराए हैं।
अलग अलग प्रार्थी के द्वारा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इरफान कुरैसी उर्फ मोनू लोगों को कर्जा देता है और अत्यधिक राशि में ब्याज वसूल करता है और उनसे चेकबुक और एटीएम प्राप्त कर लेता है, नोटरी बनवाता है और भया दोहन करके उनसे अधिक से अधिक राशि को वसूल करता है, जिस पर उसके विरुद्ध अलग अलग 5 अपराध पंजीबद्ध किए हैं अभी तक धारा 384 और 3-4 कर्जा एक्ट के तहत, जिसमें 2 प्रकरण में पूर्व में उसको गिरफ्तार किया गया था, अभी 3 प्रकरण में उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। वही खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की धारदार और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए वारदात में सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। वही पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। वारदात में शामिल सभी आरोपियों को अवैध काबू में जुटा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार हत्या में 7 से 8 युवक शामिल है। रुख कर लेते अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार जिले के गांव चंदेरी में प्रेमी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरा वाक्य कांग्रेस पार्षद की पत्नी के प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस केस में कांग्रेस पार्षद सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या का मुख्य कारण पत्नी प्रेमी के संग भाग गई थी, जिससे आरोपी कांग्रेस पार्षद पत्नी के प्रेमी के घर में अपने सहयोगियों के साथ घुसकर मारपीट की, जिसके बाद प्रेमी की वही मौत हो गई। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अभिला प्रसाद वो अपने जो प्रेमी अनंत कुमार पात्रिक साथी रहने लगी थी, जिस पर आरोपी और उसके परिजन उसको समझाई देने के लिए आए हुए थे। विवाद होने के पश्चात दिलीप कुरैन के जो परिजन द्वारा उसके जो प्रेमी अनंत कुमार पात्र है, उसकी माँ और उसके बड़े भाई के साथ मारपीट किया गया, जिस पर दोनों को काफी गंभीर चोट आई थी। बड़े भाई को छत पर फेंक दिया गया था। जब हॉस्पिटल में जब चेक किया गया था, आरोपी मृत पाए गए हैं और उसका जो बड़ा भाई काफी गंभीर हालत में था, जिस पर थाना सिमगा में 307, 302 और बल्ला तक मामला पंजीबद्ध किया गया और इसमें एक विशेष टीम गठित करके आरोपी पति साझी की गई, जिसमें आरोपी जो दिलीप कुरे है वो मुंगेली का रहने वाला पाया गया था। उसके जो अन्य जो रिलेटिव थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जल्दी से रिमांड पर भेजा। तो पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतारा गया है और हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया गया है। बलौदाबाजार का ये मामला है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस पार्षद ने हत्या की है और ये आरोप जो है वो लगाए गए हैं और इसी को लेकर आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामले भी दर्ज किए गए हैं। बलौदाबाजार का यह मामला बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस पार्षद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है और पत्नी के प्रेमी को मौत की घाट उतारा, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलौदाबाजार से हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला? प्रसंग का मामला है यहाँ पर, हमारे बलौदाबाजार जिले के ग्राम सिमगा थाने का है, जहाँ पर कांग्रेस के पत्नी ने प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो पत्नी मुंगेली में रहने वाली थी, मुंगेली की, जहाँ पर वो भाग के चल दी थी उसके प्रेमी के साथ जी। ये इस पति को नागुजार जो रहा, उसने अपने साथियों के साथ जाकर उसके घर में जाकर उसकी प्रेमी की डंडे से हत्या कर दी थी जी। और अभी तक अगर बात करें तो कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस की ओर से 6 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है जो इस हत्याकांड में शामिल थी, और सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।